हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हो और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में देते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे वेब स्टोरीज के इमेज साइज की। जो लोग वेब स्टोरी लिखते हैं उनको इमेज साइज क्या रखना चाहिए जिससे कि उनकी वेब स्टोरी डिस्कवर में आए और उन पर कोई एरर भी ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वेब स्टोरी पर वो इमेजेस का पड़ता है। अगर आपकी इमेजेस का साइज थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो आपकी वेब स्टोरी गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं हो पाएगी और डिस्कवर में नहीं जाएगी, और जब डिस्कवर में नहीं जाएगी तो आपकी वेब स्टोरी रैंक नहीं करेगी। दोस्तों, ट्रैफिक नहीं आएगा, सारी मेहनत बेकार जाती है। यहां पर दोस्तों एक 7 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम बात करेंगे, इमेज साइज, इमेज रेजोल्यूशन और कॉपीराइट और क्रेडिट, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। अगर आपको कोई इमेज यूज करनी है अपनी वेब स्टोरी में तो उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, जो भी इमेज आप यूज कर रहे हैं वो रिलेटेड टू टॉपिक होनी चाहिए। जिस टॉपिक पर आपकी वेब स्टोरी है उसी टॉपिक पर आपकी इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वेब स्टोरी बना रहे हैं कि व्हाट इज वेब स्टोरी और यूट्यूब वीडियो का वहां पर फोटो लगा दिया, तो रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। जो भी आपका इमेज उसमें यूज कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। इसको गूगल सेंस करता है और इसकी वजह से भी आपकी वेब स्टोरी में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर टू, अपलोड HD इमेजेस। जो भी इमेज आप यूज करें उसमें HD इमेज का प्रयोग करें। आपने देखा होगा जब आप नॉर्मली वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि कम से कम रेजोल्यूशन की और कम से कम साइज की इमेज और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लेकिन साइज उसका कम होना चाहिए, ऐसी इमेज होती है। लेकिन वेब स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर आप HD इमेज को अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये एक वीडियो के फॉर्मेट में होती है। अब HD का मतलब ये नहीं कि आप 5000x5000 पिक्सल की अपलोड कर दें, इसकी भी कुछ अपने नियम और शर्तें हैं। यहां पर सबसे पहली चीज HD इमेजेस की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं आपकी जो इमेजेस आप यूज कर रहे हैं वो आती कहां से हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो ये इफेक्ट करता है, अगर आपने कॉपीराइट इमेज को डाउनलोड करके लगा दिया है तो वो आपकी जो वेब स्टोरी है वो रैंक नहीं करेगी, वो कॉपीराइट इशू वहां पर आ जाएगा। तो जब भी आप किसी की इमेज को डाउनलोड करें तो कॉर्नर पे, नीचे कॉर्नर पे, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, ये आपकी इमेज है जो आपको यूज करनी है, तो यहां नीचे कॉर्नर पर आपको लिखना है क्रेडिट टू और @ लगा के उस वेबसाइट का नाम लिख दीजिए जिससे आपने इसको डाउनलोड किया है। तो वहां से क्या होगा कि आपकी जो ये इमेज है वो उसका क्रेडिट सीधा उसको चला जाएगा और वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपने कहीं से इमेजेस डाउनलोड की हैं, कोशिश करिए कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करने की, लेकिन अगर फिर भी आपने कहीं से इमेज डाउनलोड की है तो वहां पर इमेज पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और यहां पर जाने के बाद डिटेल्स में जाइए और यहां रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस फाइल, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है और जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। इससे कॉपीराइट आने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। तो आपको यहां से प्रॉपर्टीज को हटाना है, उसके बाद में क्रेडिट टू करना है और उसको क्रेडिट देना है जिसकी इमेज आप यूज कर रहे हैं, तो इससे आप सेफर साइड चलेंगे और आपकी जो वेब स्टोरी है वो रैंक भी करेगी, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अगली चीज यहां पर दोस्तों आती है इमेज साइज की। तो आप नॉर्मली जो वेब स्टोरी के जो अलग अलग पेजेस होते हैं वहां पर जो भी इमेज आप यूज कर रहे हैं उसका साइज 640x853 पिक्सल होना चाहिए। इससे अबव भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे अबव अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस इमेज को क्रॉप करके उसका रेशियो 3:4 का कर दें। 3:4 का रेशियो एकदम फिट होता है उसके लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसका साइज भी आप 200-300 KB के आसपास रखें। ये नहीं कि आपने, हमने HD बोल दिया तो इसका मतलब आप 20 MB की फाइल को वहां पर अपलोड कर दोगे, ऐसा नहीं है। करीब 200 KB के आसपास इसका साइज रहना चाहिए और 640x853 पिक्सल से ऊपर इमेज होनी चाहिए, रेशियो 3:4। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर लोगो की। दोस्तों, लोगो यहां पर सबके अलग अलग तरह के लोगो होते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जब भी आप लोगो को अपलोड करें तो स्क्वायर में अपलोड करें। कुछ लोगो ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं या फिर वर्टिकल होते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको कोई लोगो दिखाता हूं, यहां पर ये देखिए, यहां पर ये है, सपोज कीजिए ये किसी का लोगो है, तो लेकिन ये यहां पर देखिए इस तरह से लंबा लंबा है, तो इसको भी आपने क्या करना है, फोटोशॉप में ओपन करके इसको स्क्वायर में ले लेना है।
तो वहां पर जब भी आप लोगो अपलोड करें तो स्क्वायर में अपलोड करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है, और उसका रेशियो 1:1 का होना चाहिए, और उसका पिक्सल साइज 96 पिक्सल बाई 96 पिक्सल होना चाहिए। लोगो के लिए ये साइज और ये रेजोल्यूशन बहुत अच्छा रहता है। और इसके साइज की बात करेंगे तो 30 KB से नीचे इसका साइज होना चाहिए, और इमेज बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होनी चाहिए, इससे काफी इफेक्ट पड़ता है आपकी वेब स्टोरी पर। अब अगला टॉपिक कवर फोटो का। कवर फोटो दोस्तों सबसे मेन फोटो होता है, और वो आपको हमेशा HD में यूज करना है। उसके लिए आप हाई पिक्सल भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1080x1920 यानी 1920, 1080x1920 पिक्सल की इमेज आपको यूज करनी है। इसका साइज आपको 500-600 KB के आसपास का ले लेना है। कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप उसको जो है इतने साइज में सेव करें, इतने पिक्सल की इमेज आप 500-600 KB में आसानी से आ जाती है, उसको आप यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप पूरे करते हैं अपनी वेब स्टोरी में, तो कभी भी आपके गूगल सर्च कंसोल में कोई भी एरर नहीं आएगा। कुछ एरर्स में यहां पर देखिए, गूगल सर्च कंसोल ओपन करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं क्या क्या एरर्स आते हैं। वो सब इसी की वजह से आते हैं, आपकी इमेज साइज, आपकी इमेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी इस तरह के जो इश्यू हैं वो सामने निकल कर आते हैं। अपनी इमेज को अच्छे से लगाएं, ठीक से लगाएं, देख कर लगाएं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हम गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, और यहाँ पर AMP इशू जो हमारी वेब स्टोरी की वजह से होते हैं, देखिए यहाँ पर 2 इनवैलिड हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मैंडेटरी AMP HTML टैग इज मिसिंग फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर देखिए ये ज्यादातर इमेजेस की वजह से आते हैं। और ये हम आगे चलते हैं, AMP के बाद में डिस्कवर में जाते हैं। ये मेरी 2 वेब स्टोरीज हैं, ये पहले चली थी लेकिन बाद में इसमें इशू की वजह से ये डाउन हो गई। देखिए यहां पर देखिए नेशनल स्कॉलरशिप, ये इसके अंदर जो एरर आ रहा है वो ये मैं दिखा दूं आपको, परफॉर्मेंस ऑन डिस्कवर। ये देखिए यहां पर इतने सारे इंप्रेशन, इतने क्लिक, और उसके बाद में करीब 1 महीने से, यहां पर 30 अगस्त से 2 महीने से कोई भी व्यू नहीं आया। उसकी मेन जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस इशू की आ रही है। देखिए यहां पर, और यहां थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है आपको, तो नॉन क्रिटिकल इशू। ये देखिए नॉन क्रिटिकल इशू क्या है, इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज। तो ये जो इमेज हमने यूज की थी वो स्मॉलर है, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो आपकी इमेज साइज की वजह से, इमेज रेजोल्यूशन की वजह से, और इमेज रेशियो की वजह से आते हैं। इन तीनों को आपको मेंटेन करना है अपनी वेब स्टोरी में, अगर आप अपनी वेब स्टोरी को रैंक कराना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों इमेज साइज को लेकर या वेब स्टोरी को लेकर कोई और सवाल आपके मन में है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।